काफी कम लोग आए आज, क्या हो गया? सर थोड़ा टाइमिंग का इशू आ रहा है सर। क्या इशू आ रहा है दोस्त? 8 से 9 आपका बेस्ट था, अब 8:30 हो गया है बस, ना आधा एक्चुअली घंटा। सर हम 3-4 लोग जो हैं वो सर इवनिंग शिफ्ट में है, तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी कंपनी की मीटिंग हो जाती है वो 8:30 में ही स्टार्ट हो जाती है। 5 डेज तो नहीं होती बट वीक में 2-3 दिन हो ही जाती है मीटिंग। अभी भी जैसे मीनाक्षी है तो हमने उधर भी ज्वाइन कर रखा है, इधर भी ज्वाइन कर रखा है, और अभी उधर स्किप मीटिंग है तो वही दिक्कत रहती है। और ये हर वीक हो ही जाता है, 2-3 मीटिंग ऐसे क्लैश कर जाता है। तो ये तो तो जब आपका बैच 8 से 9 चल रहा था तब भी हो रही होगी भाई, आठ से नौ में थोड़ा सा ये होता है थोड़ा ना कि आधे घंटे का वो बफर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे 8:30 से के बाद ही कोई मीटिंग शुरू होती है, तभी कोई रेयरेस्ट चांस होगा कि 8 से शुरू होगा, बट 8 के बाद ही शुरू होती है ये ऑफिस वाली मीटिंग। तो थोड़ा सा टाइम का 8 बजे वाला टाइम, अगर डे में कोई बैच चल रहा है सर? डे में ऐसा कोई बैच नहीं है ना? डे में अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं करूँगा आप लोगों का टाइम का थोड़ा सा, अभी बस थोड़ा मैनुअल खत्म हो जाएगा फिर मैं एडजस्ट करता हूँ फिर टाइम का, अगर ऐसी बात है तो। हाँ सर, क्योंकि हमने ज्वाइन किया करने के लिए सीखने के लिए, और हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। होता है क्या, दोनों एक साथ चल रहा होता है, मतलब इधर भी या उधर भी, तो कंसंट्रेशन जो है ना वो पूरा डिस्टर्ब रहता है, और इसको भी अभी छोड़ नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आई गेट जॉब इन टेस्टिंग और इस डोमेन। नहीं ठीक है, चलो मैं इसमें देखता हूँ, इसको कुछ करता हूँ। इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास में होता क्या है उसकी बात करते हैं। जब अपने पास में लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्ट डेटा होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बीबीए में कि 18 से और 50 के बीच जिसकी एज होगी उसी के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने 4 टेस्ट स्केल बनाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बस जो 18 से 50 के बीच की वैल्यू है उसके लिए हमने कुछ नहीं करा। लेकिन अब इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास क्या कहता है कि जो उसके बीच की वैल्यू है वे उसके लिए है। अब इस केस में आपको 18 से 50 के बीच में मतलब बहुत सारा डेटा ऐसा है जो आपको मतलब दोबारा चेक करना पड़ेगा। या एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल कि डोमिनोज है, अब डोमिनोज से आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, अब वहां पे एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी तक का पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, एक ऑर्डर में, मतलब एक ऑर्डर में सिर्फ 100 क्वांटिटी तक का पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये सर फैन का कैसे, साउंड आ रहा है सर आपके पीछे से। रुक जाओ बंद कर देता हूँ। अभी ठीक है सर। मिनट देना बस। हेलो, हाँ सुन, मैं डेवलपमेंट नहीं कर रहा था, नहीं ठीक है। इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास में क्या होता है कि जो हमारी अब वो जो उसके बीच का मतलब जैसे मैंने बताया कि वहां पे 100 की लिमिट सेट है कि एक ऑर्डर में आप सिर्फ 100 क्वांटिटी तक ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर आपको 100 से मोर देन 100 करनी है तो आपको दूसरा ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ये एक सिनारियो दे दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि
हमें एक के लिए वेरीफाई करेंगे, फिर एक क्वांटिटी के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, ऐसे करके हम एक से लेके 100 तक क्वांटिटी तक के लिए हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये क्या होगा कि एक लिमिट हो गई, मतलब अब वो सॉरी, इसमें ये एक हमें 100 टाइम ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भाई। ऑब्वियसली जब आप लोग 100 टाइम ऑर्डर क्रिएट करोगे तो टाइम तो लेगा ही लेगा ही है। तो ये हमारा इस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड, एक मिनट देना यार, सॉरी। हेलो, हाँ भाई, गुड इवनिंग, आ जाना, ठीक है। तो ये बता, टिकट हो जाएंगे ना वैसे? नहीं, ये तो हो जाएंगे, मुझे चाहे कंफर्म ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो नए दिए हुए हैं वो हो जाएंगे। तत्काल में हो जाएंगे, दो सीटी हो पाएंगी। हाँ, पांच वो कह रहा हूँ उनमें से ही, नहीं कंफर्म कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, टिकट कराने के लिए कह रहा हूँ, पांच टिकट हो जाएंगे। कैसे टीटी काट देगा? टीटी एक्स्ट्रा नहीं लेगा? एक्स्ट्रा नहीं लेगा? अच्छा, तो फिर तो नॉर्मल टिकट लेना पड़ेगा। चल वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सॉरी, इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास की हम बात कर रहे थे। तो जब अपने पास में लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्ट डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को सेग्रीगेट कर लेते हैं पार्ट्स में। कुछ इस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी कवर हो जाए, और जो हमारा वो सिनारियो है और वो भी कवर हो जाए, और प्लस हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो इट विल रिड्यूस द टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल भाई, अब 100 डेटा है अपने पास टेस्ट डेटा, तो हमने क्या किया कि एक बार एक क्वांटिटी का ऑर्डर क्रिएट किया, एक बार 10 क्वांटिटी, एक बार 11, एक बार 20, फिर 21, 30, इस तरीके से पेयर में कर लिया हमने, है ना। फिर 31 और फिर 40, 41, इस तरीके से हमने 100 तक ऑर्डर क्रिएट कर लिए। तो अभी पहले हमें 100 ऑर्डर क्रिएट करने थे, अभी इस तरीके से अगर हमने एक सीरीज बनाई तो हमें 20 ऑर्डर क्रिएट कर लिए। अब इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपको ये बनाना है इस तरीके से, जो हमारा इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास कहलाता है। अब इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट था हमारा क्या, डिसीजन टेबल टेक्निक होगा। हेलो, बोल यस नहीं सर। रहे है ना? मैसेज कौन कर रहा? आज क्लास नहीं है क्या? क्लास चल रही है बट मेरे पास ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसे क्यों? सेम प्रॉब्लम मेरे को भी हो रही है। अच्छा, तो
डिसीजन टेबल टेक्निक। बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक सिनारियो के लिए एक टेक्निक यूज होती है हमारी, लाइक लॉगिन। लॉगिन करना है, आप लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए बना के दिखाता हूँ मैं कैसे ये टेबल बनती है, क्या होता है वो बताता हूँ। मैं आपको सबके ना सबके हो गए थे कॉल डिस्कनेक्ट। डिसीजन टेबल टेक्निक हमारी कुछ स्पेसिफिक सिनारियों के लिए लगती है, लाइक लॉगिन फंक्शनलिटी। अब लॉगिन आपको करना है तो लॉगिन करने के लिए आप मल्टीपल टेस्ट केसेस बनाओगे, जो कि आपका फ्लो सब में सेम ही रहेगा बट टेस्ट डेटा चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपने एक बार वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड एंटर किए, लॉगिन करके चेक कर लिया। एक बार आपने इनवैलिड यूजर नेम इनवैलिड पासवर्ड एंटर किया है ना, फिर उसके बाद में चेक किया कि ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। एक बार आपने यूजर ने आपने क्या किया, एक उसमें जो वैलिड वैलिड यूजर नेम है वो पासवर्ड में डाला, जो वैलिड पासवर्ड है वो वैलिड यूजर नेम में डाला। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब चेंज कर करके आपने वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये आप जो आपका फ्लो है वो तो सेम ही रह रहा है बट टेस्ट डेटा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के जो सिनारियो होते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले से एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं जिसको डिसीजन टेबल बोलते हैं। जो हम डेटा दे रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, उसके बेस पे ही तो हमें आउटपुट आ रहा है, वो डिसीजन ले रहा है हमारा जो फंक्शनलिटी है। तो हम उसके लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे वैलिड इनवैलिड है ना, या और भी जो भी आप इंटरचेंज करके और बहुत सारे बन सकते हैं केसेस। तो आपने एक टेबल क्रिएट कर ली। अब जैसे हमारा वो फंक्शनलिटी डेवलप होकर के आई तो हमने सिंपल रिजल्ट अपडेट कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब हमें बार बार अगेन एंड अगेन टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है, केस लिखने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, हम अब क्या करेंगे, ये सब है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सर डिसीजन टेबल पर ये हमें सर अपने पास ही रखनी होती है, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर किसी शो करनी होती है, दिखाना होता है मैनेजर वगैरह को, दिखाना है फिर हम वो टेबल हम लगा देंगे वहाँ पे कि भाई हमने ये टेबल बनाई है इसके लिए, बात खत्म। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया आपका। तो ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के टेक्निक्स खत्म हो गई। इसके मैं वो लिख देता हूँ, when we have any functionality where we are
क्या करो आपकी स्क्रीन नहीं चल रही दोस्त आ रही है मेरी स्क्रीन तो मुझे लगता है सर विजुअल है स्क्रीन तो आपकी दिख रही है आ रही है स्क्रीन तो मेरी सही से परफॉर्म कहाँ करते मतलब इसे बनाते कहाँ हैं मैंने बताया ना आपको कि जो डिसीजन टेबल टेक्निक है ये कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए है ये हमारा ऐसा नहीं कि हर किसी पे चलेगा कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो पे वर्क करेगा ये हमारा तो एक्सेल में सर बनेगा हाँ हाँ एक्सेल में बनाते ओके सर ठीक है यह हो गया डिसीजन टेबल टेक्निक हो गया ठीक है उसके बाद में क्या क्या हो गया आपका जगह देख लेते हैं ये हो गया ये हो गया ये हो गया अजाइल आपका हो चुका है जीरा आपका हो गया फंक्शनल हो गया ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स ग्रे बॉक्स हो गया आपका स्केल आपका हो गया और ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल रहता है अभी इससे पहले है आपका राइट आपका सॉरी सर क्या प्रायोरिटी एंड सेवरिटी हाँ सर हो गया प्रायोरिटी सेवरिटी हो गया हमारा होगा सर ये भी हो गया वैलिड वेरिफिकेशन रह रहा है सर अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं विद 34 क्वेश्चन जी सर ये रह रहा है तो काफी चीजें होगी वैसे ना हाँ काफी हो गया है ज्यादा भी नहीं बचा है बात करते हैं वेरिफिकेशन की कि वेरिफिकेशन क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली जो वेरिफिकेशन है वो हमारा होता है कि स्टैटिक स्टैटिक से मतलब समझते हो यस सर डॉक्यूमेंट पार्ट जो वेरिफिकेशन चीज होता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड चीज होती है हमारी जो वैलिडेशन होता है हमारा वो जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने सिनेरियो है ना जो हम नॉर्मली टेस्टर हम लोग जो करते हैं वैलिडेशन करते हैं हम लोग ठीक है जी बोलो टॉपिक अभी आप पढ़ा रहे हैं वो किस टॉपिक के सब पार्ट टॉपिक है जैसे आपने स्प्रिंट और ये सब पढ़ाया था ना वैसे अभी जो स्टार्ट किया है वो क्या सेपरेट है बिल्कुल ये किसी के सब पार्ट में नहीं है ये सेपरेट है और ये नॉर्मली एक थ्योरेटिकल चीज है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं हमें इसको यूज करना है कोई टेस्टिंग है कुछ नहीं है ये सिंपल एक थ्योरेटिकल चीज है हमारी ठीक है जो अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं वेरिफिकेशन का मतलब है वो हमारा स्टैटिक है इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन होना है ना कि रिव्यू वगैरह होना है डॉक्यूमेंटेशन वॉक थ्रू वो सारी चीजें हमारे किस में आती हैं वो वेरिफिकेशन में आती हैं वैलिडेशन जो होता है हमारा वैलिडेशन के अंदर में जितनी हमारी टेस्टिंग्स होती है लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ये सब हमारे मतलब जो टेस्टिंग हम करते हैं इट इज अ डायनामिक प्रोसेस बेसिकली ना वैलिडेशन तो नॉर्मली क्या ना ये दो टर्म है और कई बार इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है तो वो हमें पता होनी जरूरी है स्टैटिक प्रोसेस लाइन बाय लाइन लिख देते हैं जिससे कि डिफरेंस बताने में आसानी होगी आपको वैलिडेशन डायनामिक डज नॉट इंक्लूड द एग्जीक्यूशन It include execution of the code.
इनपुट वेरिफिकेशन वी विल डू डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हर्ष वेरिफिकेशन वाले थर्ड पॉइंट में डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, स्पेलिंग गड़बड़ आ जाएगा. ठीक है, ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन होगा. अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा बिल्ड एंड रिलीज. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बिल्ड एंड रिलीज. बिल्ड क्या होता है, रिलीज क्या होता है, उसकी बात करते हैं. बिल्ड समझते हो गए, आई थिंक मैंने पहले भी बताया है बिल्ड तो क्या होता है. यस यस सर, बताया कोई स्मॉल पीस ऑफ सर. बिल्ड सर वर्कलोड की बात है सर. जो डेव टीम सर जो भेजती है सेंड करती है सर, जो जो वर्क होता है जिसे हम चेक करना होता है. जब एप्लीकेशन बन के आती है सर, इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. देखो ये जो बिल्ड होता है हमारा, बिल्ड जो होता है हमारा, बिल्ड की अगर हम बात करें, बिल्ड हमारा होता है कि जब तक एप्लीकेशन हमारी अंडर डेवलपमेंट रहती है तब तक उस एप्लीकेशन का जो यूआरएल या उस एप्लीकेशन को बिल्ड बोला जाता है. Release when we the application so that process known as बिल्ड और रिलीज होता है बेसिकली. ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी पूछिएगा. सर जब आपने स्टार्टिंग में हमें टेस्टिंग पढ़ाया था तो तब आपने मतलब पढ़ाया था कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, और अभी जब आपने टेस्टिंग पढ़ाया है तो लाइक ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स. तो अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि मतलब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो मतलब क्या बोले उसके कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल या फिर ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स. जब भी कोई अगर टाइप ऑफ टेस्टिंग की बात आती है ना हमारी, है ना, तो इसमें हमारे ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. मतलब कि ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, सॉरी व्हाइट बॉक्स कह रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स, डेटाबेस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सब जो है हमारे ये टाइप्स में ही आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, है ना. तो मतलब जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल है वो भी एक तरह के टाइप्स ही हैं बेसिकली. जो है हमारे जो टेस्टिंग है ना कंप्लीट,
उस टेस्टिंग को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, एक है फंक्शनल और एक है नॉन फंक्शनल। ये पूरी जो अब फंक्शनल के अंदर में हमारे ब्लैक बॉक्स रिग्रेशन ये सब हमारे फंक्शनल में आते हैं। अगर नॉन फंक्शनल की बात करूं तो नॉन फंक्शनल में हमारा लाइक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दैट इज अ नॉन फंक्शनल, और अगर मैं बात करूं ये हां वॉल्यूम टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी, ये सब हमारे आते हैं नॉन फंक्शनल में। ओके ठीक है। हाँ तो व्हाट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हमारी होती है जब हम एप्लीकेशन जो हमारे जो भी एप्लीकेशन हमारी है उस एप्लीकेशन को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वेरीफाई करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने एप्लीकेशन को रन किया मैक पे, हमने उस एप्लीकेशन को रन किया विंडोज पे, हमने उस एप्लीकेशन को रन किया लिनक्स पे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिस पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस पे रन करते हैं, है ना, डिफरेंट डिवाइस पे, तो वो हमारे क्या कहलाती है, वो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कहलाती है। हम उसमें चेक करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है हाउ मच इट इज कंपैटिबल फॉर द डिफरेंट डिवाइसेस। Operating systems to verify that how much it is comfortable. सर इसको तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वाला बंदा सर टेस्ट करता हुआ, हम तो नहीं कर सकते ना इसको। क्यों सर, मतलब ये सर हम तो सर फंक्शनल ही टेस्ट करेंगे ना सर, ये तो कंफर्टेबल है कि नहीं, जैसे विंडोज पे है, एंड्रॉइड पे है, तो ये कैसे नॉन फंक्शनल है? आप विंडो चला सकते हो, आप आपको क्या करना है, आपको अपने टेस्ट केस ही तो एग्जीक्यूट करने हैं, आपको अपने टेस्ट केस ही तो एग्जीक्यूट करने हैं विद द डिफरेंट ब्राउजर्स सॉरी विद द डिफरेंट डिवाइसेस, है ना, तो इससे तो कोई वो फर्क नहीं। हां बोलो सर, ऐसे तो सर हम जो सर फंक्शंस वो होता है और परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है सर, उसको भी तो हम लोग कर सकते हैं क्या, जैसे मतलब कि वो लोड उठा पा रहा है कि नहीं। हाँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप चेक कर ही सकते हो, है ना, वो तो मेरा आप यहाँ पे समझो कंपैटिबिलिटी में मतलब क्या, हम यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी में वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जब हम भाई किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे गए फॉर एग्जाम्पल वो हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई तो कोई फायदा थोड़ी ना उसका फिर, है ना, तो वो चीज हम वेरीफाई कर रहे हैं इस पे। सर तो ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग जो होती है वो मतलब जब डेवलप कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर को तो उसके बाद ये टेस्टिंग होती है या ये अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में ही टेस्टिंग होती है, क्योंकि हमें तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर उसको टेस्ट करना होगा। डेवलप करने के बाद में होती है, तो उस चीज से पहले नहीं होती कंपैटिबिलिटी, वो भी डेवलप ये एंड का प्रोसेस है, मतलब लास्ट में होती है, ऐसा नहीं कि नीचे उसमें करते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया रिलीज हो गया तब या रिलीज से पहले? नहीं नहीं रिलीज से पहले ही करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा उसके बाद करेंगे। ओके अंडरस्टूड। ठीक है और किसी का कोई डाउट है, यहां तक किसी का कोई कैसा भी डाउट हो तो भाई बताओ। नहीं सर क्लियर है। ठीक है चलो तो फिर मिलते हैं अब हम कल, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में आपका मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, कुछ टाइम से पुट अप कर लिया करो, फिर बीच-बीच में मालूम तो पड़ता रहा सर कि मतलब हम लोग रिवाइज हो रहे हैं। तो आप लोग लेकिन मुझे थोड़े प्रोएक्टिव नहीं लगते हो, कम बोलते हो आपके बैच में बहुत ना, कल मैं सोच रहा हूँ कि पहले आके 5-10 मिनट ना मैं जो अब तक पढ़ाया वो पूछता हूँ किसी ने क्या ना सर, जब हम लोग एक्टिव होंगे थोड़ा सा आप पूछा करो। चलो ठीक है ध्यान रखेंगे आगे से। सर मंडे रखना पूछने का। चलो ठीक है, टाइम मिलता है तो चलो हर मंडे, ये है कि रिवीजन हो जाए एक तरीके से, जो वीक में पढ़ा है वो मंडे रिवाइज हो जाए। चलो मंडे देख लेंगे।
चलो ठीक है, बाय।